सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शियाटिका क्या होता है और शियाटिका के लक्षण क्या हैं, शियाटिका कैसे होता है, शियाटिका की शुरुआत किस तरह से होती है, मतलब शुरुआत में आपको वो क्या लक्षण दिखेंगे जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि आपको शियाटिका है या कोई मामूली सा कमर का दर्द है। तो इस वीडियो में मैं आज सारी बातें शियाटिका के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली चीज, शियाटिका क्या है? आप सभी ने शियाटिका आम तौर पर सुना ही होगा। आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया शियाटिका की, उसको शियाटिका की दिक्कत हो गई है, मतलब ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो शियाटिका का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो शियाटिका बेसिकली क्या है, पहले हमें वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो शियाटिका नाम आया है शियाटिक नर्व से। तो हमारे कमर में एक नस होती है जिसको कि शियाटिक नर्व बोलते हैं। हमारे शरीर की सबसे मोटी नस है शियाटिक नर्व। तो वो हमारे कमर के रास्ते से होते हुए, हमारे बटक्स के रास्ते से होते हुए, हमारे पूरे पैरों तक वो कमर जाती है, मतलब वो नस जाती है। तो वो नस इतनी लंबी, आप सोचिए, वो कमर से लेके पैर को पूरा सप्लाई करती है। तो वो है शियाटिक नर्व। तो कभी किसी कारणवश अगर उस नस पे किसी तरह का दबाव पड़ जाए या नस पे कोई हल्की फुल्की चोट आ जाए, तो उस वजह से जो कमर का दर्द होता है उसको हम शियाटिका बोलते हैं। तो शियाटिका जो कंडीशन है वो शियाटिक नर्व में कोई गड़बड़ी होने की वजह से होती है। तो ये जानकारी दी मैंने आपको कि शियाटिका क्या है और शियाटिका किस नाम से आया है। तो आइए अब जाने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो कि है लक्षण। लक्षण क्या है शियाटिका के, शुरुआती लक्षण क्या है? तो शुरुआती लक्षण जो शियाटिका को दूसरे कमर के दर्द से अलग करते हैं वो ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, शियाटिक जो नर्व है वो कमर से लेके हमारे पैरों तक जाती है। तो इसका दर्द भी कैसा होगा? इसका दर्द भी कमर से लेके पैर तक पूरा जाता है। तो शियाटिका में हमारी कमर में, हमारे पैरों में, दोनों जगह पे दर्द होता है। तो अगर आपका दर्द कमर से पूरे पैरों की तरफ जा रहा है तो वो शियाटिका हो सकता है। और इसका जो दूसरा लक्षण ये है वो ये है कि नस दबने के साथ साथ दर्द तो होता ही है, पर सुई चुभने जैसा भी होता है, जिसको कि हम नमनेस और टिंगलिंग कहते हैं मेडिकल टर्म्स में। तो अगर आपको दर्द के साथ साथ नमनेस और टिंगलिंग भी हो रही है एक पैर में, तो वो शियाटिका के ही लक्षण है। तो इसमें कैसा टाइप का दर्द होगा? सबसे पहली चीज तो इसमें आपको जलन जैसा और एकदम डीप वाला पेन होता है ना, वैसा वाला दर्द होगा शियाटिका में। और इसका जो दर्द है वो आपके कमर से लेके आपके पूरे पैरों तक जाता है, और ये एक ही साइड होता है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि आपकी दोनों शियाटिक नर्व दब जाए और दोनों पैरों में आपकी झंझनाहट और नमनेस हो, लेकिन ज़्यादातर शियाटिका जो होता है वो एक ही पैरों में होता है। और इसको दूसरे कमर के दर्द से हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, जो दूसरा कमर का दर्द है वो आपको कमर के चारों तरफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो शियाटिका का दर्द है, शियाटिका में आपको कमर के साथ साथ आपके पूरे पैरों में दर्द इसका जाता है। और जब आप झुकेंगे, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है झुकने पे, और आप जब आप नीचे आलती पालती मार के बैठे हैं या नीचे बैठे हैं, और नीचे से बैठ के जब आप ऊपर उठते हैं, तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो वो शियाटिका में वैसा दर्द देखा गया है। तो जितना भी झुकने का काम हो गया आपको या फिर नीचे उठ के बैठने में, ये सारा दर्द आपको ज़्यादातर शियाटिका में फील होता है। तो ये है कुछ मुख्य लक्षण शियाटिका के, शुरुआती लक्षण यही है शियाटिका के, जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी मैं आपको एक और बार आइडिया दे देती हूँ दोबारा से। कमर से जो पैरों की तरफ दर्द जा रहा है वो शियाटिका का दर्द होता है। शियाटिका में जलन के जैसा डीप बर्निंग पेन होता है। शियाटिका में आपकी क्या होती है कि सुई चुभने जैसा, जिसको कि हम नमनेस और टिगलिंग भी बोलते हैं, वो भी होता है पैरों में दर्द के साथ साथ। और शियाटिका जो है वो सिर्फ एक ही पैर में होता है। बहुत ही कम चांसेस है कि आपके दोनों पैरों में शियाटिका का दर्द जाए, तो ये ज़्यादातर एक ही पैर में होता है। आइए अब ये जानें कि शियाटिका का कारण क्या है और शियाटिका क्यों होता है। तो सबसे पहले मुख्य कारण इसका ये है, सबसे पहली चीज़, हर्निएटेड डिस्क। जैसे कि हमारी उम्र होती रहती है, हमारे जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उनके बीच में डिस्क प्रेजेंट होती है। डिस्क एक जेली की तरह होती है जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी को आपस में रगड़ खाने से बचाती है। जैसे कि कभी अचानक से जब हमें झटका लगता है तो ये डिस्क हमारी कमर को बचाती है। तो किसी कारणवश जब ये डिस्क, मतलब थोड़ी बहुत इस डिस्क में इंजरी हो जाए, और या डिस्क कभी अपनी जगह से खिसक के थोड़ा सा बाहर आ जाए, तो अगर ये शियाटिक नर्व को दबा रही है
तो इससे शियाटिका होता है। तो सबसे पहला कारण है इसका हर्निएटेड डिस्क्स। अब जो दूसरा कारण शियाटिका होने का वो ये है कि उसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको ध्यान से सुनिएगा। तो हमारी जो बटक है उसके पीछे एक मांसपेशी होती है जिसको बोलते हैं पायरिफॉर्मिस, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। तो कभी कभी ये मसल जब टाइट हो जाती है, जब इसको हम ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं करते, या फिर ये मसल ज़्यादा हम स्ट्रेचिंग ना कर पाने के कारण टाइटनेस में आ जाती है, तो ये मसल भी डायरेक्ट शियाटिक नर्व को दबाती है, क्योंकि शियाटिक नर्व डायरेक्ट इस मसल के नीचे से होते हुए निकलती है। जैसे कि ये आपकी मसल होगी, इसके नीचे ये है शियाटिक नर्व, तो अगर ये मसल टाइट होगी तो वो नर्व को कुछ इस तरह से दबाएगी। तो पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम भी शियाटिका की तरह लक्षण पैदा करता है। तो जो दूसरा कारण है शियाटिका होने का वो है पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, और ये शियाटिका से काफ़ी अलग है। सिर्फ मसल की टाइटनेस की वजह से नर्व दबी हुई है और कोई इसमें नर्व में कोई इंजरी नहीं है, तो ये है पायरिफॉर्मिस। तीसरा कारण शियाटिका होने का है लंबर केनाल स्टिनोसिस। तो जहाँ पे भी शब्द आ जाता है स्टिनोसिस, स्टिनोसिस का मतलब होता है कि सिकुड़ना, ठीक है। तो शियाटिक नर्व हमारी लंबर एरिया से निकलती है, मतलब कि जो एरिया आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो हमारा लंबर एरिया है, उस एरिया से शियाटिक नर्व निकलती है। तो नस हमेशा केनाल से होते हुए गुजरती है, मतलब इस तरह का केनाल होता है जिसके अंदर से नर्व जाती है, ठीक है। तो कभी कभी ये जो केनाल है जिसके अंदर से नस जाती है ये सिकुड़ने लगती है किसी कारणवश। तो जब ये केनाल जिसमें से नस जा रही है ये सिकुड़ने लगती है, तो इस स्टेनोसिस के कारण भी हमारी जो शियाटिक नर्व है उसको दबने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो कभी कभी लंबर केनाल स्टेनोसिस की वजह से भी शियाटिका के सिम्टम प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो लंबर केनाल स्टेनोसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है शियाटिका होने का। अब जो चौथा कारण है हमारा वो है प्रोफेशन। तो कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वज़न उठाना पड़ता है या हमें बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है, तो जैसे लोडिंग अनलोडिंग का काम हो गया, उनमें हमारी कमर को बहुत ज़्यादा झुकना पड़ता है। तो कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें हमें बहुत ज़्यादा भारी काम करना होता है और बहुत ज़्यादा झुकने का काम होता है, उस प्रोफेशन में भी शियाटिका होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अब इसका जो पाँचवा कारण है वो ये है कि डीजनरेटिव डिस्क डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, अब उम्र के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी भी कमज़ोर होती रहती है, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर होने के कारण डिस्क भी कमज़ोर हो जाती है। तो डिस्क जब अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाए तो वो नस को दबाती है, जिससे कि शियाटिका होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। अगर ये शियाटिका नर्व के पास वाली डिस्क अगर उसको दबा रही है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है शियाटिका होने का। अब जो दूसरा कारण है शियाटिका होने का वो है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में भी शियाटिका होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, अब जैसे जैसे प्रेग्नेंट फीमेल का जो स्टमी है वो ग्रो होता रहता है, वैसे वैसे उनकी जो कमर है वो बहुत ज़्यादा अंदर घुसती हुई चली जाती है, जिससे कि जो नॉर्मल पॉस्चर है, जो नॉर्मल स्पाइन का अलाइनमेंट है वो ख़राब हो जाता है और वो शियाटिक नर्व को कंप्रेस करता है। तो प्रेगनेंसी में भी शियाटिका होने के काफ़ी चांसेस देखे गए हैं। तो ये सारे कॉमन कारण हैं शियाटिका होने के, मतलब शियाटिका अगर किसी को है तो हो सकता है इनमें से किसी एक कारणवश की वजह से शियाटिका हो। अब आइए ये जानें कि हम शियाटिका को पहचानेंगे कैसे, हम उसे कन्फर्म कैसे करेंगे कि ये शियाटिका ही है। तो कुछ टेस्ट हैं जो आप घर पे अगर अपने ऊपर आजमाएंगे तो आप जान पाएंगे कि आपको शियाटिका है या कोई मामूली कमर का दर्द। तो आइए वो जाने वो क्या है। पहला टेस्ट है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। तो इस टेस्ट में क्या करना होता है कि आपको लेटना है एक सीधे फ्लोर में या फिर एक सीधे मैट में, ठीक है। आपको सीधा लेटना है, आपको एक पैर को सीधा रखना है या घुटने के बल पे मोड़ना है जैसे कि आपको सूटेबल लगता है, और दूसरा पैर जो आपका है वो सीधा रहेगा, मतलब एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा और एक पैर सीधा रहेगा और आप लेटे हुए रहेंगे। तो जो जिस पैर पे आपको दर्द हो रहा है उसको आप धीरे 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 करके उठाएंगे। तो शियाटिका में जैसे जैसे आप पैर को ऊपर उठाते रहेंगे वैसे वैसे आपकी कमर में अगर दर्द प्रेजेंट है जो पैर में जा रहा है उस वो कन्फर्म करता है कि आपको शियाटिका है। तो पहला टेस्ट तो ये है। अब दूसरा टेस्ट ये है कि थेरेपिस्ट आपको स्क्वाट की पोजिशन में बिठाएंगे। स्क्वाट की पोजीशन में बैठ के जब आप उठने लगेंगे तब अगर आपको आपकी कमर में दर्द उठेगा, तब अगर आपको आपकी कमर में दर्द फील होगा और वो डायरेक्ट आपके पैर तक जा रहा होगा या फिर कभी कभी कमर में ही आपको ज़्यादा पेन फील होगा,
तो ये भी पॉजिटिव टेस्ट है शियाटिका का। तो जो ये दो टेस्ट हैं, ये दो टेस्ट कंफर्म करते हैं, मतलब कंप्लीटली कंफर्म तो नहीं करते, लेकिन यस ये बताते हैं कि यस कि आपको शियाटिका का पेन है, ये नॉर्मल आपको बैक पेन है। तो जो इसका कंफर्मेशन टेस्ट होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। MRI, CT scans, ये सारे जो है ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है, मतलब MRI स्कैन और CT स्कैन में कन्फर्म हो जाता है। वो आपके कमर की अच्छे से इमेजिंग लेके अच्छे से बताते हैं कि ये कमर की कंडीशन, शियाटिका की जो कंडीशन है वो डिस्क के निकलने से हुई है या लंबर कैनाल स्टेनोसिस से हुई है या कोई इंजरी की वजह से हुई है। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो है वो है MRI और CT scans। तो ये जो दो टेस्ट है, जो फिजिकल टेस्ट है जो मैंने आपको बताया है, वो हल्का फुल्का रूल आउट करते हैं कि शियाटिका कहीं शियाटिका है या कुछ और कंडीशन तो नहीं है। तो अगर लेकिन आपको आपको कंफर्म चाहिए कि हाँ मुझे पता करना है कि कंफर्म शियाटिका मेरे को है कि नहीं है, तो आप MRI और CT स्कैन्स को अपना सेकंड ऑप्शन मान के चल सकते हैं। तो जो शियाटिका है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कंडीशन है आजकल सबको, मोस्टली को मैंने सुना है कि यस उनको शियाटिका हो गया है या उनको कमर में दर्द रहता है लंबे समय से। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है। वो कॉमन इसलिए भी हुआ है क्योंकि आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत आरामदायक वाली लाइफस्टाइल है। तो ऐसा माना गया है कि जितना ज़्यादा हम बैठते हैं उतना ही हमारे कमर वीक होती है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है, जैसे कि जो व्यक्ति ज़्यादातर बैठते हुए अपना समय बिताते हैं उनके बैक में जो कम चलते हैं उनके कंपैरिजन में जल्दी पेन आता है। तो जब हमारी स्पाइन की मसल वीक पड़ जाती है या हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है जिसके कारण बोन्स वीक हो जाती है, या हमारे शरीर में हाइड्रेशन कम है, हम पानी कम पीते हैं जिससे जो डिस्क है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो शियाटिका को राइज करते हैं। तो जो शियाटिका की शुरुआत है वो कभी कभी बहुत पहले से होती है और वो हमें इंडिकेशन देती है, मतलब हमें संकेत देती है कि हमारी कमर अब धीरे धीरे वीक हो रही है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा आपकी पेन, आपकी कमर में जब आप थोड़ा सा ज़्यादा चल लेते हैं, थोड़ा सा आप ज़्यादा कहीं बैठ जाते हैं तो आपको दर्द रहता है। तो ये इंडिकेशन ये है कि आपकी कमर की मसल्स जो है वो लंबे समय तक कोई ऐसा काम नहीं सह पाती जिसमें उसे ज़्यादा भार सहना पड़े। तो जैसे जैसे हमारी एज होती रहती है हमारी मसल्स वीक होती रहती है। तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हम प्रॉपर अपने शरीर को कैल्शियम दें, प्रॉपर विटामिन डी दें, प्रॉपर एक्सरसाइज करें जिससे कि हमारी कमर जो है वो स्ट्रांग रहे, वो लोड ले पाए। जो हम दिनचर्या में हम आम काम जो करते हैं उसमें भी हमें कितना झुकना पड़ता है, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू मारना, और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें बार बार झुकना पड़ता है। अब शियाटिका जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब बेड रेस्ट की हमें सलाह देते हैं। तो ज़्यादा लंबे टाइम का बेड रेस्ट भी अच्छा नहीं है। तो ज़रूरी ये है कि हम शुरुआत से ही अपनी कमर को जितना हो सके हमसे हम स्ट्रॉन्ग बना के रखें, प्रॉपर एक्सरसाइजेज, डाइट और सप्लीमेंट्स का यूज़ करके हम अपने कमर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी। पानी जितना ज़्यादा हो सकता है हमें पीना चाहिए क्योंकि जो हमारे डिस्क हैं जो वर्टिब्रास के बीच में है वो 78% वाटर से बने होते हैं, मतलब पानी से बहुत ज़्यादा बने होते हैं। तो उनको पानी चाहिए न्यूट्रिशन के लिए। तो पानी का हमारे शरीर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हम एक बहुत मामूली सी चीज़ जो है पानी उसी को कम पीते हैं जिससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर पानी पीना, प्रॉपर शरीर को रेस्ट देना, ये सारी चीज़ें अगर आप शुरू से लेके चलेंगे तो यस आपको ये शियाटिका होने की नौबत भी नहीं आएगी। तो कंक्लूजन मेरा ये है कि 90% शियाटिका अपने आप ही ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन 10% जो केसेस हैं उसमें देखा गया है कि ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पेशेंट्स को शियाटिका का अटैक बार बार आ रहा है, जिनकी कमर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, तो कभी कभी केसेस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 90% शियाटिका अपने आप ठीक हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपकी शियाटिका और ना बढ़े। तो वो जो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया शियाटिका क्या है, शियाटिका के लक्षण क्या है, शियाटिका क्यों होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों में जागरूकता फैले। और एट द लास्ट, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपके माइंड में भी कोई आइडियाज़ हैं जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी कंडीशन जो आपको अच्छे से समझ में ना आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपके कमेंट्स का 100% रिप्लाई करूँगी। और मिलते हैं शियाटिका के लेकर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।